हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बताते हैं कि आपका जो रेडमी नोट 3 फ़ोन है, इसमें डाउनलोड इंग्लिश यूके करके नोटिफिकेशन में, अगर आपको बार बार ये नोटिफिकेशन आपको तंग करता है, तो इसे हटाने के लिए हम आपको आज एक नई ट्रिक्स बताएंगे। सो दोस्तों, इसे हटाने के लिए आप क्या करें, पहले सेटिंग में जाएं। सेटिंग जैसे ही ओपन होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एडिशनल सेटिंग में जाना पड़ेगा। एडिशनल सेटिंग में जाके तो इसमें आएगा लैंग्वेज एंड इनपुट। लैंग्वेज एंड इनपुट पे क्लिक कीजिए। जैसे लैंग्वेज एंड इनपुट पे आप क्लिक करोगे तो इसमें आएगा टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट। ये देखिए, टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट, इस पर क्लिक कीजिए। देन इसमें आपको दिखाई दे रहा है गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजन, तो इस पे आपको ये जो सेटिंग का लोगो दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये लैंग्वेज सेटिंग फॉर गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजन इंस्टॉल वॉइस डाटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज में जाके, नहीं सॉरी, लैंग्वेज में नहीं जाना आपको, आपको हाँ आपको ये जो दिखाई दे रहा है इंस्टॉल वॉइस डाटा, इस पर क्लिक करना है। और आपको जैसे ऑप्शन आ रही है डाउनलोड इंग्लिश यूके, ये आपको दिखाई दे रही है। अब ये देखिए, यहाँ नीचे स्वाइप करके इसमें आ रहा है इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, यूके मीन यूनाइटेड किंगडम, तो इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए यूके, तो आपको क्या करना है कि इसे डिलीट कर देना है अनइंस्टॉल करके। जब आपकी ऑप्शन जो आ रही है ऊपर, इसे स्वाइप कर दो, अब फिर से ये आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। थैंक यू फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू ऑल।